शाबाश भाई, ये भाई किसकी चोरी कर ले आया। इन्होंने ही जीता यार दो की तरफ से चुनाव। निकले। अरे भाई साहब पूरी मस्त हाईटेक गाड़ी बना रखी। आज की जो वेज बिरयानी बनाएंगी वो हमारी छोटी भाभी जी बनाएंगी। So hey guys, what is up? Welcome back to the new vlog. भैया जी आज है 10 मार्च और आज जो है चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। फिलहाल तो मैं चुनाव के नीचे रिजल्ट देख आया हूँ। जिस दिन ये व्लॉग आएगा उस दिन तो आपको पता ही चल गया होगा कि किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल तो भाजपा की सरकार बन रही है गाइस। जलवा है भाजपा का यहाँ, मतलब मस्त सीटें निकलती जा रही है। धार और हरदोई की तो सारी सीटें निकल चुकी हैं। दो सीटें जो हैं गिनी जा रही हैं, पर जहां तक देखो वो भी भाजपा की निकल ही जाएंगे। और यार पंजाब में तो आम आदमी पार्टी जीत ही चुकी है। और भाई आम आदमी पार्टी की ना मैं एक चीज में बहुत ही ज्यादा तारीफ करना चाहता हूँ। मतलब आम आदमी पार्टी वालों ने इतना अच्छा कैंपेन चलाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि जो इंसान आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करता है वो भी करने लगा। मैं अपने आपको खुद की बता रहा, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी पार्टी, लेकिन जो इन्होंने एक तरीके से कैंपेन चलाया था ना यूट्यूब पे, इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स आते थे ना, उन शॉर्ट्स को देख देख के ना मैं इन्फ्लुएंस हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ, मेरे को भी बढ़िया लगने लगी। तो आम आदमी पार्टी का कैंपेन बहुत तगड़ा चला था, इसी वजह से वो जीत गई। हमारे यहाँ ना बीजेपी जीत चुकी है और भैया लोग इतने खुश है ना कि पटाखे दगाए जा रहे हैं। हमारे नंदू भैया पड़ोसी मस्त से पटाखे भर के लाए हुए पूरी पन्नी में और दगा रहे हैं। ये देखो भाई साहब, ये एक सिंघाड़ा लगाया है। जब ये दगेगा ना बहुत ही ज्यादा शोर होगा यार। आईफोन ना छूट जाए, इतनी तेज दग रहे हैं याले। और भाई साहब बस व्लॉग के एडिटिंग करने के लिए बैठा था कि मोटू भैया का कॉल आ रहा है, नीचे आओ। मतलब ये जो है खाली तभी कॉल करेगा तब हम एडिटिंग कर रहे होते हैं कुछ। अब चलो इनसे मिलते हैं चल के, आज ना बहुत सारे काम है। मम्मी को भी घर छोड़ के आना है बिकॉज उन्हें होली होली की सफाई करनी है ना, एंड आज बाइक की सर्विसिंग भी करा लेनी है अगर यामा शोरूम खुला हुआ तो। वेयर इज मोटू। देखा इसने खलिया में जानबूझ के बेफालतू में फोन कर लिया, आया तक नहीं और ऐसे फोन कर दिया। इतना बदतमीज हो रखा है, नहीं आ रहा है गाइस, मेरे को दिख गया अभी यहाँ से 300-400 मीटर दूर है, आ रहा है। ये देखिए गाइस, ये लेके आ रहे हैं। शाबाश भाई, ये भाई किसकी चोरी कर ले आया। भाई 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 गुरूर आ गया है तुम में, टीवीएस का गुरूर आ गया है। अपाचे भाई, वह टीवीएस अपाचे है तो है, अभी निकाल लेंगे FZS कम। बोलो तुमसे क्या, उससे बढ़िया है जितने का फोन है उतने में गाड़ी आ जाएगी। ठीक है भाई साहब ने हमको ऐसे बुलाया था मौज में मिलने के लिए, बाइक दिखाने के लिए। अपाचे का गुरु है, हमें भी FZS का गुरु है। ठीक है जा रहा हूँ मैं घर, नहीं रहेगा अपन तेरे साथ। तो यार जी हमारे मोटू भैया थे वो तो चले गए, एंड मम्मी भी घर चली गई, बासुआदा के साथ मेरे साथ नहीं गई। एंड फिलहाल हम जा रहे हैं बाइक को सर्विसिंग कराने के लिए सागर दादाजी के साथ। अगर मैं बहुत शोर कर रहा है, उधर टीवी चल रही है, इधर नानी जी फोन पे बात कर रही हैं, बीच आंगन में खड़े होकर व्लॉगिंग हो ही नहीं पाती है। और गाइस का जी शीशा गंदा था आपको दिख रहा होगा, हमने शीशा भी साफ कर दिया है। हमने नहीं किया है, घर में किसी ने किया है, पता नहीं किसने किया। हमारे राइडर भैया तैयार, हमारी बाइक भी तैयार, तो नहीं तैयार हो, खूब पटाखे दग रहे हैं बिकॉज बीजेपी आज जीत चुकी है ना। बहुत ही जोरों शोरों से यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी के जीत का। मतलब जगह जगह पे लोग कलर खेल रहे हैं, यहाँ तो असली कलर खेला जा रहा है मस्त तरीके से। ये देखो पूरा जो है मेन चौराहा जाम हो रखा है, मस्त कलर खेला जा रहा है यार। पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल एकदम चुस्त तंदुरुस्त है। पुलिस गाइस मस्त तरीके से यहाँ पूरा घेर के खड़ी हुई है सब, पुलिस से कोई दिक्कत ही कर रहा हूँ। किधर से निकले हम लोग को इधर जाना है एक्चुअली। यामा के शोरूम जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें यहाँ पे नारियल दिख गए हैं। बहुत दिन से नारियल पानी नहीं पिया, लास्ट टाइम तो मैंने बैंगलोर में पिया था 4 या 5 साल पहले, पर ये चीज़ अच्छी रही। अब हमारे हरदोई में भी मिलने लगे हैं तो हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत सालों बाद नारियल पानी फिर से पीने जा रहे हैं, चलो पीते हैं। तो पीने के बाद अलग ही मजा आता है, मीठा मीठा लगता है ना बहुत ज्यादा। भैया मलाई निकाल के दोगे बाद में? नहीं मलाई भी निकाल के देंगे। जब हमें याद है बैंगलोर में थे ना तो नारियल पानी हम लोग कम पीते थे, हमें मलाई इसकी बड़ी ज्यादा पसंद आती थी। मलाई इसकी जो होती है ना मजा आ जाती है। अब तो ना हरदोई में जगह जगह पे ऐसे ठेले मतलब लगे लगे आपको मिल जाएंगे, तो एक बार आना पीना मजा आ जाएगी, सच बता रहा पूरा नारियल पानी हमने फिनिश कर लिया, सागर दादा ने कर दिया। सागर दादा के में तो वो मलाई भी निकल आई मस्त, इतनी सारी मलाई, वो हम अपने लिए भी मलाई निकलवा लेते हैं। चलो इसमें नहीं है दादा, मलाई है ही नहीं।
मलाई है नहीं है। लो चलो सागर दादा के हमें थोड़ी सी खा लेते हैं, इतनी ले लेते हैं बाकी हुआ। सबसे अच्छी ये मलाई होती है, मीठी मीठी, इसे खा के मजा ही आ जाता है। पता है मेरे वाले में मलाई ही नहीं निकली इनके में निकली भर भर के। एक पूरा नारियल पानी पीने में मेरा पेट भर गया, मलाई भी बहुत ज्यादा थी सागर दादा के में, तो बिल्कुल पेट भर गया। एंड दो जो है हम अपने घर के लिए लिए चल रहे हैं। तो यामा के शोरूम पहुंच चुके हैं, और आप लोगों को पता तो होगा ही यामा के शोरूम में ना ऊपर जाके बाइक सर्विसिंग होती है, तो हम भी ऊपर पहुंच गए हैं। मेरा पेट इतना भरा है नारियल पानी पीने के बाद, और अपनी बाइक भी पहुंची गई होगी लिफ्ट में। हाँ लिफ्ट में आ गई, वो तो खुतर खड़ी हुई है। तो बाइक हमारे सिंहासन पे चढ़ चुकी है फिलहाल, तो इसका जो है इंजन ऑयल निकाला जा रहा है, उसके बाद इसमें इंजन ऑयल डाला जाएगा, सफाई वफाई करी जाएगी, बहुत कुछ किया जाएगा इसमें। हम लोग वेट करते हैं तब तक यहीं वेटिंग रूम में। वो मोबियल ओबियल और जो फिल्टर विल्टर पड़ता है ना वो सब पड़ चुका है। अब अपनी गाड़ी को एक बार वॉश किया जाएगा और फिर बस हमको मिल जाएगी शायद। तो फाइनली यार बाइक धुल के भी आ गई, अब मस्त अपनी बाइक चमक रही है फिलहाल। इसमें अभी चेन इन में जो है कुछ ऑयल ऑयल लगा रहे हैं, और यार अब हम सोच रहे हैं इसका नाम रख ही दें। वैसे सागर दादा एक बात बताइए, अब इस बाइक का कुछ नाम रखा जाए, क्या नाम रखेंगे? रॉकी हैंडसम। रॉकी हैंडसम नम्बा नाम हो जाएगा। कोई सिंपल सा काला सांड, ब्लैक पैंथर, सोच के बताते हैं। चलो आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताइएगा, मतलब करें आप लोगों ने कमेंट लेकिन कम करते हैं। आपके बार अच्छे से खूब सारे नाम सजेस्ट करो, फिर एक चुनके इसका नाम रख ही देंगे, और फिर उसके स्टिकर भी इस पे लगवा देंगे जो भी इसका हम नाम रखेंगे। हैवी ड्यूटी। हाँ ये भी नाम बढ़िया लग रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा, फिर एक दो दिन में डिसाइड करके रख देंगे। टाइम हो रहा है 4:45, 3 बजे यहाँ यामा के शोरूम आए थे, तो पूरा इन्होंने हमें फाइनली सर्विसिंग करके दे दिया बाइक, और मस्त चमकने लगी है बिल्कुल। सर्विसिंग भी हो गई, और उस दिन आपको याद होगा हमने 500 का तेल डलाया था, तो वो तो अब खत्म हो गया। तो चलो अब ना इसे आज फाइनली फुल करा ही लेते हैं। चलो देखते हैं फुल कितने में होगी भाई अपनी टंकी। भाई फुल हो गई। एक्चुअली 1.5 लीटर पहले से पड़ा हुआ था तेल, 1.5 से ज्यादा ही होगा क्योंकि इसकी 13 लीटर कैपेसिटी है, और 10.20 लीटर और 10 पॉइंट हो गया और 10.24 हो भी गया। तो चलो मतलब कि इसमें जो था 3 लीटर पहले से पड़ा था। हाय बताओ 3 लीटर पड़ा था तब ये लप 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 करने लगी। जब ये ऑयल वाले बार सारे फुल होते हैं ना तो कितनी मजा आती है ना, तब मतलब जिंदगी में कोई दुख होता ही नहीं है, बस गाड़ी पे बैठो चलाते रहो। अभी मॉल जा रहा है, तो ये देखो यहाँ पे कितना मस्त भीड़ लगी हुई है यार, आज लग रहा है मॉल जा ही नहीं पाएंगे। आज जीती है ना बीजेपी, और मैं ना गाड़ी के ऊपर खड़ा होके ऐसे व्लॉग शूट कर रहा हूँ। ओ भाई नितिन अग्रवाल जी, यही जो है ना इन्होंने ही जीता यार, दो की तरफ से चुनाव। ये है नितिन अग्रवाल जी, नरेश अग्रवाल जी के बेटे। गाइस हम लोग ना ये गाड़ी बड़ी पसंद आई है, इसका पीछा कर रहे हैं पर हम लोग इसे देख नहीं पा रहे। सागर ने देखा, कह रहे इसे देखो कितनी मस्त गाड़ी है, बस निकल जाए इस गाड़ी के आगे फिर देखते हैं। निकले। अरे भाई साहब पूरी मस्त हाईटेक गाड़ी बना रखी है, क्या क्या टाइम रखा है वो। एक मिनट, ये गाड़ी काहे बनाई रखी है? अच्छा काहे को काम है? अच्छा गैस है, भैया बनाते हैं। बहुत बढ़िया लोगो, कहाँ नाम का है तुम्हारा? चलो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। सागर दादा जो है भैया किसी से भी ऐसे रुक के आराम से बातचीत कर लेते हैं। सागर दादा ओपन द कमेंट सेक्शन। तो फाइनली विशाल पहुंच गए हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से सामान लेना था, अपनी पूरी बकेट भर चुकी है, भर नहीं चुकी एक्चुअली, बीच में ना हेलमेट रखा हुआ है, तो हेलमेट ने ज्यादा जगह घेर ली है, बाकी सामान तो अभी इतना ही है, बाकी देख रहे हैं और क्या क्या लेना है। तो फाइनली यार बैग में ना हमने सब कुछ भर लिया, बहुत ही ज्यादा भारी हो रखा है बैग, एंड ये 2-3 शर्टें नहीं आ रही थी तो मैंने इनको हाथ में पकड़ लिया। रीच होम, और वो भी दूसरी बार, एक बार घर आके सारा सामान रख गए थे और फिर से गए थे थोड़ा बहुत सामान लाने के लिए, बिकॉज आज हमारे घर में बन रही है मस्त सी वेज बिरयानी, तो उसी के लिए सामान लेने गए थे। ये लीजिए भाभी जी वेज बिरयानी का सारा सामान, और आज की जो वेज बिरयानी बनाएंगी वो हमारी छोटी भाभी जी बनाएंगी, आज का पूरा जिम्मा हमने इन्हें सौंप रखा है, बिकॉज अभी एक दिन उन्होंने बनाई थी, इतनी बेहतरीन बनाई थी उसका कोई जवाब नहीं। ब्लॉग इज अब 8:30 बजे आया था, थोड़ा सा एक्चुअली लेट हो गया, एंड कल ना मेरा फिजिक्स का पेपर है, तो अभी सबसे पहले थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फिर खाना पीना खाते हैं, फिर पढ़ाई पे लगते हैं, और अब मेरे एग्ज़ाम शायद 24-25 तारीख तक चलने वाले हैं, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि आपका भाई कुछ ज़्यादा बिजी होने वाला है, तो सह लेना थोड़ा। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी ना, मैंने सोचा था कि हम वैसे तो डेली व्लॉगिंग करेंगे लेकिन एग्जाम के टाइम ना हम डेली व्लॉगिंग बंद कर दिया करेंगे, तब पढ़ लिया करेंगे 1 महीने तक, और जैसे एग्जाम हो जाया करेंगे फिर जो है फिर से डेली व्लॉगिंग चालू कर दिया करेंगे। पर आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं ना कि कंट्रोल नहीं होता है गाइस व्लॉग बनाने से,
बनाते हैं, पर अभी थोड़े दिन तक सह लेना, ज्यादा मस्त ट्रैवल व्लॉग नहीं आ सकते। लेकिन गाइस मेरे पेपर ना कुछ ऐसे होंगे, जैसे कि एक पेपर है 4 दिन की छुट्टी है, तो उन 4 दिन में मचाएंगे तबाही। भाभी जी नीचे बिरयानी बना रही है, उसकी महक इतनी ज्यादा, मतलब और उसकी महक ना इतनी ज्यादा, और उसकी महक ना यार मैं क्या बोलूँ, कोई शब्द नहीं मिल रहा है, मैं दो बार अटक गया बताया समझो। इसकी महक बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं वेज बिरयानी नमक कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ चिकन बिरयानी होती है, उसके अलावा वेज बिरयानी तो ऐसे बना ली गई तो लोग खा लेते हैं, इसका कोई स्वाद नहीं होता। लेकिन भाई छोटी भाभी ने एक दिन उस दिन वेज बिरयानी बनाई थी, मैं तो खा के पागल हो गया, बहुत ही बेहतरीन। और महक ऐसी आ रही मैं आपको बता नहीं सकता। चलो देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है भाई बताइए, तुम क्या रिपोर्टर रिपोर्टर हो, मतलब स्पॉट पे जाते हो, कैच करते हो कि क्या हो रहा है? और क्या रिपोर्टर होता है यार, कहीं भी तो कैसे होता है, मतलब तुम तो कहीं भी घुस जाओगे, तुम्हारे रहते बड़ा खतरा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों भाभियाँ मिलके वेज बिरयानी बनाने में लगी हुई हैं। बिरयानी बन भी गई है, मतलब कि एक जो है पूरी कढ़ाई भर के बन चुकी है, और एक कढ़ाई बन के और उधर बन रही है, बिकॉज आज ना घर में सबके लिए यही बिरयानी बनाई गई है। यार देखो कितनी ही ज्यादा मस्त लग रही है यार ये, भाभी जल्दी से सर्व कर दो, मजा ही आ जाए फिर। लेकिन पहले बना लो सबके लिए, फिर सबके लिए सर्व करो खट्टा। क्या है जो तुम दुकान से बिरयानी मंगवाती हो ना, उससे अच्छी बिरयानी होगी है, ठीक है। फाइनली यहाँ पे हमारे सागर दादा की, मामा की, गुनगुन की, सबकी बिरयानी आ चुकी है, तो चलो अब यहाँ पे बैठ के इसे एंजॉय करते हैं और बताते हैं कैसी बनी हुई है। सच बता रहे यार बहुत ही ज्यादा मस्त बनी हुई है, जो दुकान वाली होती है ना उससे भी ज्यादा अच्छी बनी हुई है। सागर दादा ट्राई करिए। हम क्या ट्राई कर रहे हैं? अच्छा ये क्या है? अब इसको कोई सुलाओ यार, कल पूरी रात से एवीएम को घूरे जा रहा है। बहुत ही ज्यादा मीम वायरल हो रही है, बिकॉज आज बीजेपी चुनाव जीत गई है ना। सो हे गाइस टुडे इज नेक्स्ट डे। कल रात में भैया आपके थोड़े बहुत पढ़ाई करने लगे थे, तभी मैंने व्लॉग नहीं शूट किया, तो अभी जा रहे हैं भैया जी आपके पेपर देने के लिए। बाकी सब जो है आप अगले व्लॉग में देखिएगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे जल्दी कल हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। तो हे गाइस अभी ना 8 बज रहा है, और उसी दिन का 8 बज रहा है जिस दिन व्लॉग आने वाला है। व्लॉग थोड़ा सा एक्चुअली ये वाला लेट हो जाएगा, मैं एडिट कर रहा था, तो मेरे को ना आपसे ये बात करनी है। जो दो पपी थे ना जिनके बारे में मैंने आपको बताया था अडॉप्ट करने के लिए, वैसे मेरे पास इंस्टाग्राम पे आए तो थे 2-3 लोगों के मैसेज, उन्होंने बोला था आ जाके ले लेंगे आके, बट आज उनमें से कोई भी नहीं आया। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि आप में से कोई भी अगर वो दो पपी अडॉप्ट करना चाहे तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, आप खुद आके ले लीजिएगा, वरना मैं खुद आके दे दूंगा प्लीज़। तभी मैं ये जो आखिरी में डाल रहा हूँ जिससे आप लोगों को रिमाइंड हो जाए और उनको ना जल्दी से जल्दी अच्छा सा एक घर मिल जाए।